छतरपुर की इन बेतवा लिंक परियोजना में निर्मित डूडन बांध में पूर्ण विस्थापित ग्रामों के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की इन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों ने लंबे समय से विस्थापन प्रक्रिया और नीति स्पष्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन करते चले आ रहे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से भू अर्जन अधिकारी और केन वित्त परियोजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा संपन्न हुई ग्राम सभा और सर्वे में जमीन सिंचित और असिंचित आबादी में स्थापित मकान बगीचा प्लाट बोर्ड कुआ और पेड़ पौधों की राशि का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं किया गया है। विस्थापित होने वाले ग्रामों के समस्त कुटुम्ब परिवारों के सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है उनके परिवार मानकर मूलभूत सुविधा दी जाए एवं उनके रोजगार के लिए उचित राशि का पारदर्शिता से स्पष्टीकरण किया जाए। ज्ञापन लेते हुए अपर कलेक्टर डीपी द्विवेदी ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उचित कार्रवाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो हमारे गाँव की जमीनें जा रही है उसकी स्पेसिफिक जानकारी हमारे लिए दी जाए। 18 का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो एक तरह से ब्लैंकेट नोटिफिकेशन होता है और इसके तहत इसके बाद में जो दावा आपत्ति होती है उनका निराकरण किया जाता है और जो धारा 19 का नोटिफिकेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये पूरी जानकारी लेने के लिए ये बात है और इस तरह का जो नोटिफिकेशन हुआ है इसकी कॉपी हम ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करवाएंगे। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए जैसे हमारे पेड़ हैं पौधे हैं मकान हैं उनका अभी डिटेल रिपोर्ट हम जो अर्जन में आना है उसकी रिपोर्ट नहीं तैयार हुई है। वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद में वो भी पब्लिश होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना की जो प्रोसेस चल रही है वो क्या है और ये इसमें विरोध क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा चाह रहे हैं? नहीं देखिए, विरोध करना या आपत्ति प्रस्तुत करना आपका अधिकार है, परंतु जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत होगी और कानून के अधीन ही होगी। धन्यवाद। देखिए क्या है कि सरकार के द्वारा 15 गांव डूब में आ रहे हैं, उन गांव का विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन वो एक भी नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। धारा 11 के तहत जो गांव में नोटिस चिपकाए जाने चाहिए थे वो नोटिस तक गांव में नहीं चिपकाए गए हैं। प्रशासन गलत जानकारी दे रहा है, लगातार हम प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित कर रहे हैं। इन्होंने प्रारंभिक अधिसूचना की जानकारी तक गाँव में नोटिस तक नहीं चिपकाए हैं, एक जानकारी नहीं दी है। ये किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इनकी टीमें जाके सीधे सर्वे कर रही हैं, गांव के लोगों को डरा रही हैं, गांव के लोगों से ये कह रही हैं यदि आप सर्वे नहीं कराएंगे हम आपके गांव का मुआवजा बिल्कुल कम कर देंगे, ये इनका अधिकार है। क्या कारण मानते हैं आप? भाजपा की सरकार केंद्र में भाजपा की राज्य में है और ये सारे भाजपा के ही वोटर किसान खड़े हुए हैं, क्यों सुतला व्यवहार हो रहा है? नहीं देखिए, मैं इसे पार्टी से नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे सिर्फ कानून से ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कानून सर्वोपरि है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे जनता हो, सब मानने के लिए उसे बाध्य है। सरकारी कर्मचारी उस प्रक्रिया का पालन करें और मैं बार बार इनसे निवेदन कर रहा हूँ, कलेक्टर महोदय को 6 से ज़्यादा ज्ञापन दे चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ, पर प्रशासन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। प्रशासन लगातार मनमानी कर रहा है और जनता के बीच में अलग अलग तरह की बातें देखे, जनता को मजबूर होकर यहाँ पर ज्ञापन देने आना पड़ा। धन्यवाद। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।